सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज मैं HDR वाला इफेक्ट अपने वीडियो में कैसे लगाया जाता है तो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये किस प्रकार का ये जो इफेक्ट है कैसे लगेगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा तभी आपको सब समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो HDR इफेक्ट लगाने के लिए आपको सबसे पहले एलाइट मोशन का यहाँ पर यूज करना होगा। तो ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना है। तो इतना होने के बाद नीचे प्लस वाले आइकन पर सिंपली क्लिक करेंगे। 9060 वाला रेशियो रख कर हम क्रिएट प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे नीचे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको अपनी वीडियो यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो मैं आपको बताने के लिए अपनी वीडियो मतलब कोई भी वीडियो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अब इसका वॉल्यूम सबसे पहले मैं कम कर देता हूँ। फिर इतना होने के बाद अब हम यहाँ पर जो है HDR इफेक्ट लगाने का जो है एडिटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसी वीडियो पर आप क्लिक करिएगा, तो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे। ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे थर्ड वाला जो इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस पर हम क्लिक कर कर आपको यहाँ पे ये जो है फोर यहाँ पे RGBA ये चार लाइन आपको देखने को मिल रहा है। तो अब बी वाला जो है लाइन में आपको ये जी रखना है। तो जी रखने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कलर कुछ चेंज हो चुका है। फिर यहाँ पर हम सिंपली यहाँ से बैक आएंगे। तो बैक आने के बाद फिर दोबारा ऐड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। ऐड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे SAT। अब जो ही सर्च करेंगे तो आपके फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ये वाला इफेक्ट आ जाएगा। तो नीचे स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर कर इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। फिर इसका जो है हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। तो इसको आप सिंपली यहाँ पे +20 रखिएगा। तो +20 रखने के बाद हम सिंपली यहाँ से बैक आएंगे। बैक आने के बाद हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जो है यहाँ पे एक शेक रखेंगे। तो यहाँ पे शेक रखने के बाद आपको यहाँ पे पूरे वीडियो में यहाँ पे जूम कर लेना है। फिर यहाँ कलर वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको ये जो स्काई वाला कलर है इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हम बैक आएंगे। तो ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर आइएगा। तो आपको यहाँ पर डिफ्रेंस वाले ऑप्शन पर आने के बाद ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसको हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये जो आपका वीडियो रेड हो जाएगा। फिर यहाँ से हम इसको बैक आएंगे। तो बैक आने के बाद आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे दोबारा आना पड़ेगा। फिर ऐड इफेक्ट इसको हम यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो आपको यहाँ पे कॉपी बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड कर लेना है मतलब सर्च कर लेना है। तो आप जो ही सर्च करेंगे आपको फर्स्ट पे ये वाला बैकग्राउंड मतलब ये वाला इफेक्ट आ जाएगा। इसको हम स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर कर इसको हम यहाँ पर रख लेंगे। फिर बैक आएंगे। तो बैक आने के बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आना होगा। फिर यहाँ पर हम ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर सर्च करेंगे गॉसियन ब्लर। तो अब गॉसियन ब्लर को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर गॉसियन ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको हम यहाँ पे 400 रखेंगे। तो आप भी 400 रख लीजिएगा। फिर यहाँ से बैक आएंगे। तो बैक आने के बाद फिर दोबारा इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आने के बाद ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आएंगे। फिर सर्च वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर EX यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो EX आप जो ही सर्च करेंगे तो एक्सपोजर गामा वाला ये जो है इफेक्ट आ जाएगा। फिर इसको भी हम स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर कर इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो फर्स्ट वाले एक्सपोजर वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो है 0.60 रखना है -0.60। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह आप भी करिएगा। फिर गामा वाले ऑप्शन पर आएंगे। तो गामा वाले ऑप्शन पर आने के बाद इसको हम 95 रखेंगे, 950 रखेंगे, 95 नहीं, हाँ मतलब वही समझ लीजिए अपने हिसाब से। फिर इतना होने के बाद फिर ये थर्ड वाले ऑप्शन पे आने के बाद इसको हम -2 रखेंगे। -2 रखने के बाद फिर हम यहाँ से इसको बैक आएंगे। तो बैक आने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा जो है एडिटिंग यहाँ पे पूरा हो चुका है। फिर प्लस वाले आइकन पर आएंगे, ये जो ए वाला शेक हम इसको रखेंगे। फिर इसको हम जूम करेंगे। जूम करने के बाद कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर दोबारा आएंगे। फिर ये जो इसका जो कलर है हम वाइट रखेंगे। तो वाइट रखने के बाद यहाँ से हम सिंपली बैक आएंगे। तो बैक आने के बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे कंट्रास्ट वाले ऑप्शन पे आइएगा। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पे ओवरले वाले इसको हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताया जो है इफेक्ट पूरे वीडियो में लगाने के लिए सिंपली बैक आएंगे। तो बैक आने के बाद अब आपको यहाँ पर पूरे लास्ट में आना पड़ेगा अपने वीडियो में। फिर ये जो है पूरे यहाँ मतलब पूरे वीडियो में लगाने के लिए इफेक्ट आप ये जो जो यहाँ पे दो दिख रहा है उस पर क्लिक करने के बाद फिर ये वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे तो ये जो पूरे वीडियो में यहाँ पे आकर लग जाएगा। तो मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ ये जो है इफेक्ट कैसा लग रहा है आपको।
तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जो मैं अगली अपलोड करूँ तो आपको इसी चैनल पे मिलता रहे। तो आप भी इसी चैनल को की सहायता से अपनी वीडियो को एडिटिंग सीख सकते हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इतना होने के बाद अब यहाँ पर आप आइएगा, तो यहाँ से एक बार क्लिक करने के बाद इसको अपने एक्सपोर्ट करके अपने गैलरी में सेव कर लीजिएगा। तो ये जो है आपके गैलरी में सेव हो जाएगा 100% होते ही। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।